जाओ 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 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आपका मित्र स्नैक्स सेवर बजरंगी यादव और आप हमारा चैनल देख रहे हैं स्नैक्स सेवर लक्ष्मी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो है आप सभी तक पहुंचे। और लोगों तक हमारा मैसेज यही पहुंचाना है कि सांप को बचाना हमारा कर्तव्य है। सांप हमारे पारंपरिक के मित्र हैं। सांपों के साथ खिलवाड़ ना करें, सांपों के साथ छेड़छाड़ ना करें। हमारा उद्देश्य इंसानों को सांप तथा सांपों को इंसान से बचाना है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग हमेशा वीडियो में बताते रहते हैं कि सांप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, खिलवाड़ नहीं करना है, वो जहरीला सांप हो या फिर नहीं जहरीला सांप हो। अगर आप सांप के बारे में शिक्षित है, प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो ही सांप को आप हैंडलिंग करें, रेस्क्यू करें, आप उसे रेस्क्यू करने के बाद रिलीज करें। बट आपके पास प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। मैंने इस क्रम में आज 16 साल से मैं आज हूँ, रेस्क्यू कर रहा हूँ पूरे धनबाद जिले में और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और मैं काफ़ी सेफ्टी के साथ रेस्क्यू करता हूँ। और अभी तक मुझे कोई भी जहरीला सांप स्नैक बाइट नहीं हुआ है 16 सालों में। बहुत से स्नैक सेवर ऐसे हैं जिन्हें स्नैक बाइट हो चुका है, जहरीले सांपों का सामना उन्हें हो चुका है, कई बार वो अस्पताल भी गए हैं, ट्रीटमेंट करा है और भगवान की दुआ से वो ठीक भी हो गए हैं। तो दोस्तों, हम लोग जिस तरीके से रेस्क्यू करते हैं, हमारे पास टैलेंट है, हम लोग इसे प्रशिक्षण लिए हैं सुंदरबन से और मेरी वाइफ भी प्रशिक्षण प्राप्त करके ही रेस्क्यू करती है। मेरी वाइफ स्नैक्स से वो लक्ष्मी, मुझे आज गर्व होता है कि लोग महिलाएं यहाँ पर डरती हैं छिपकली से, मेंढक से, सांप से। उसी क्रम में चलते मेरी वाइफ स्नैक्स से वह लक्ष्मी आज लोगों को सांप से और सांप को इंसान से बचाती है और अपने पारुल को नष्ट होने से बचाती है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो को, ये वीडियो हमारे पास हमारे एक ग्रुप में आया। भारत का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन क्रैथ, जिसे हम सभी लोग चीटी क्रैथ, साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, और भारत का नंबर वन जहरीला सांप है ये, जो कि रात को अधिकतर हमारे बिस्तर पर, बिछौना पर, हमारी बॉडी को गर्मी देख करके वो हमारे पास बिस्तर पर चढ़ते हैं और हमें नींद, सोते हुए नींद को, नींद की सुला देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए किस तरीके से एक शख्स ने, मैं इसे गलत बोलूं या सही बोलूं मुझे ये पता नहीं, पर मैं बोल सकता हूं कि ये शख्स जो है, ये दारू पीकर के शख्स ये सांप के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट करे भारत का सबसे जहरीला सांप से खिलवाड़ करना इस इंसान को बड़ा महंगा। सांप को अपना बाप बता रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। दोस्तों, सांप हमारे धरती पर एक ऐसा जीव है जो कि सबसे खतरनाक है, जिसके पास सेंस क्रिया, सोचने की क्रिया नहीं होती, दिमाग नहीं होता है, वो हम इंसानों को समझ सकता नहीं है, वो अपने बचाव के लिए किसी को भी मार सकता है। तो दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, फिर लोग बात करते हैं। जाओ जाओ अजू ऊपर, अजू ऊपर 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 नगर नहीं छोड़ो, मारना के जाना ऊपर ऊपर। जय गॉड हो ना भैया, ये बोल और कम है वीडियो नहीं। तेरा बाप हूं मैं, तेरा बाप ना कह दे, तेरा दादू मोले बराबर ए रौनक और तारो वारो ए भैलू। हां तू तो बाकी रह जा मार भाई, पहले तो पकड़ दो अपन, आई जाओ मुझे पे अब आ जाओ बस आ ऊपर बल्ले आ बल्ले आ बल्ले आ जी अभी ना वाले ना ना ऊपर अरे बल्ले वाले ने बॉल उतारो दे, जेल उतारो दे, जो बताओ वीडियो उतार खाई वीडियो उतार अरे पड़वा सोए भाई तमारा सब बतू तले तू ए रणक तारी जवा दे जवा दे जवा दे ना जवा दे किसुन ना जवा दे रणक तू खोटू कर रहा पता रहा हूं गुंबले भी मैं हेड ना नहीं पड़ो अंदर आ जवा दे जा तो जवा जाओ ना ना जवा दो
जतो रे ले वाले जतो रे जावा जे ने हां हां आ तुम मेकी जाओ फोटो पाड़ो ना मारे कई हम फोटो पाड़ो चोका ना खले दे जतो रे ले मने चोको बड़ो ना चो ना के ગોળ માં પી ગયો દિવસો વેસ્ટ જશે તું અત્યારે નસમ છો તને ખબર નહી આપડે બે જ રોકાયેલા હે તને યાદ નહીં तो दोस्तों देखा आप सभी ने किस तरीके से ये शख्स जो कि अपने गले में इंडियन कॉमन क्रेट सांप को लेकर के खिलवाड़ कर रहा है उसे कटा रहा है अपने उंगली पर कटा रहा है। दोस्तों ये बेवकूफी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें सांप काट लिया है, कुछ लोग सांप के साथ खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, सांप को अपना भगवान मानते हैं, सांप को अपना बाप बताते हैं। दोस्तों ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसे हमारे गुरु अभिषेक सर जो कि कोलकाता सुंदरबन नेशनल ज्योग्राफी वाइल्ड लाइफ से जो आज जो काम करते हैं और उनका यूट्यूब चैनल है स्नैक रेस्क्यू कॉल है, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया है, प्रशिक्षण दिया है। मैं उनको आज सैल्यूट करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ कि जिस तरीके से वो रेस्क्यू करते हैं उनके ही लाइन पर मैं चल रहा हूँ। और मेरे गुरु को भी मुझ पर काफी गर्व महसूस होता है कि आज मैंने सुंदरबन में ट्रेनिंग दिया बजरंगी स्नैक सेवर को, बजरंगी यादव को, और वो धनबाद में काफी अच्छा रेस्क्यू कर रहा है, काफी अच्छा नाम कमा रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से गुरु चाहते हैं कि हमारा जो शिष्य है उसे स्नैक बाइट ना हो, सेफ्टी के साथ रेस्क्यू करे, सांपों के साथ खिलवाड़ ना करे, सांपों के साथ छेड़छाड़ ना करे, हैंडलिंग ना करे, मैं उसी क्रम में चल रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुरु का जो सर झुके, मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि हमारे जो गुरु है उनका सर झुके। मैं अपने यूट्यूब में काफी सर को दिखाया हूँ वीडियो में आपको, अपना फेसबुक अकाउंट जो है मेरा बजरंगी स्नैक सेवर लक्ष्मी जो है, काफी हम लोग अपना स्टेटस डालते रहते हैं सर के बारे में, मैम के बारे में। अभी हमारे गुरु अभिषेक सर की शादी भी हो चुकी है, आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी इंसान दारू पी करके या फिर नहीं दारू पी करके सांपों के साथ खिलवाड़ ना करे, छेड़छाड़ ना करे। अपने घर के आसपास किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं सांपों के साथ खिलवाड़ करते हुए तो प्लीज उसे आप रोकिए, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बाप है, उसपे भी घर का जिम्मेवारी है। वो दारू पी के सोचता है कि मैं सांप पकड़ ले रहा हूं, सांप को पकड़ना मेरे लिए आसान है, मैं सांप का बाप हूं, सांप का भगवान हूं। दोस्तों वो शराब की नशे में बोल रहा है, वो होश में ऐसा नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि होश में वो कभी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन इससे इस शख्स की गलती हुई है। मैं मानता हूं और इस शख्स को मानना पड़ेगा कि ये गलती किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को कि ऐसी दोबारा गलती हमारे पूरे भारत विश्व वर्ल्ड में कोई भी ऐसा गलती ना करे, और किसी का भी बेटा, किसी का भी पिता की मौत सांप काटने से ना हो। सांप हमारे पास नहीं आते हैं काटने के लिए, बल्कि हम जाते हैं सांप को उकसाते हैं, उसे गुस्सा दिलाते हैं और सांप हमें बाइट करता अपने बचाव के लिए। तो दोस्तों किसी भी हम लोग इंसान को छेड़छाड़ करेंगे, हम लोग दो आपस में इंसान लड़ेंगे, तो अब मुझे कोई दो झाप मारेगा तो मुझे उसको एक झाप मारने का ताकत तो होगा ही होगा। उसी तरीके से दोस्तों सांप है, सबको जीने का अधिकार है इस धरती पर। भगवान ने इस धरती पर सबको भेजा है जीने के लिए, सबको जीने दीजिए। वो अपने रास्ते चल रहा है, आप अपने रास्ते चलिए। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। आप कमाने के लिए ऑफिस जाते हैं और खाने अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए ऑफिस जाते हैं पैसा कमाने के लिए। उसी तरह सांप जो होता है धरती पर रेंगते हुए अपने भोजन की तलाश में निकलता है। गलती चूक मिस्टेक से सांप आपके पैरों में आ जाता है या फिर आप उसे पैर देते हैं तो गलती से काट देता है। पर दोस्तों ऐसा तो नहीं कि सांप के साथ खिलवाड़ करो दोस्तों, ये दरअसल गलती है, पूरी गलती इस इंसान की है। तो सांप को गले में लपेट के अपने आप को शंकर भगवान मानना, सांप को बाप मानना। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी इंसान सांप सर्पदंश से ना मरे। और दोस्तों आज ठंड का मौसम अब आ गया है, सांप हमारे घरों में घुसना कम हो गया है, सांप का जो सीजन अभी ऑफ हो गया है, सांप बहुत कम निकल रहे हैं। दोस्तों सांप से बचाव करने के लिए अगर आपके घर में सांप बार प्रवेश करते हैं तो आप डरे नहीं, या फिर कोई भी अपना घरेलू उपचार ना करें, किरोसिन नहीं डाले, हल्दी ना डाले,
नमक का इस्तेमाल ना करें कि हम लोग घर के चारों गेट के बाहर कैंपस में नमक छिड़ दिए हैं, क्रोसिन छिड़ दिए हैं, कार्बोलिक एसिड छिड़ दिए हैं, तो हमारे घर सांप नहीं आएगा। ऐसा कोई बोलता है इसकी बात तो भरोसा नहीं कर दोस्तों आप। मैं इसका पूरा परीक्षण करके ही मैं आप सभी लोगों के सामने वीडियो बनाता हूं और आगे बनाता रहूंगा। अगर मैं वीडियो यूट्यूब पर नहीं आऊंगा तो मेरी वाइफ है, आप सभी लोग को मैसेज देगी, सही मैसेज देगी। आप सभी लोग घर में घुसता सांप बारह प्रवेश करता है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर स्नैक्स सब लक्ष्मी को कॉल करें और अपने घरों के अंदर केमिकल का छिड़काव करें। जो हमारे पास केमिकल आता है उसका आप छिड़काव करें। अभी हमारे पास केमिकल अभी हमारे पास है। अगर आप कॉल करेंगे तो आपके घर में केमिकल छिड़काव होगा और आपके परिवार, आपके बच्चे सर्प दंश से आपके घर में सांप नहीं आएगा। अगर आपकी बीबी, बच्चे, माँ सांप से डरते हैं तो सांप से डर नहीं होगा, सांप घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। दोस्तों वीडियो को अंत करने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही जरूरी है। ये जैसे कि दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बजरंगी जी बाहर बाहर जाते रहते हैं, कभी रांची जाते हैं सांप पकड़ने के लिए, कभी कोलकाता जाते हैं घूमने फिरने के लिए। तो दरअसल बात यह है कि सांप पकड़ने के लिए बजरंगी जी धनबाद में, भूली में, बोकारो में, ऐसा कौन है? हमारे पास बोकारो से बहुत कॉल आती है, धनबाद के अंडर बहुत कॉल आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया जी आप एक वीडियो बनाए, इसमें कुछ स्नैक्स सेवर का नंबर दीजिए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग नोट कीजिए इस नंबर को, जो कि धनबाद से बोकारो धनबाद रेस्क्यू करते हैं। आप नंबर नोट कीजिएगा, सर्प मित्र संतोष कुमार का नंबर लिख लीजिए, 6201418150। ये धनबाद से रेस्क्यू करते हैं, बोकारो में भी कभी कभी रहते हैं, आप बोकारो कॉल कीजिएगा। जितने मेरा फ्लोवर से सब्सक्राइबर है वो संतोष जी का नंबर आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और इस नंबर को नोट करने बाद कहीं भी अगर बोकारो में किसी भी सेक्टर 9, 10, 4 किसी भी इलाके में अगर सर्प दंश होता है, सांप घुसता है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप घरों में सांप सुरक्षित निकाल के सुरक्षित जंगल में रिलीज कर देंगे। दोस्तों और अभी रेस्क्यू लोग हैं, मेरी वाइफ है, उनका नंबर आप सभी लोगों के पास है। दो नंबर और लिख लीजिए जो बहुत अर्जेंट नंबर होगा आप सभी लोगों के लिए, हमेशा कॉल रहेगा। और धनबाद के हर इलाकों में, बिग बाजार से लेकर के पुटकी, झरिया, टुंडी, इन सब इलाकों में ये हमेशा जाती आती रहती है। हमारे पास बहुत से रेस्क्यूर लोग हैं, हमारे ही टीम के हैं, मैंने परीक्षण किया है। आप समझ सकते हैं जब मैंने जिसे परीक्षण दिया है, जो मुझसे सीखे हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, वो कितने अच्छे रेस्क्यूर होंगे। तो एक नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9905875287 87973161 32। आप सभी लोग 3-4 नंबर को नोट कर लीजिए और कहीं भी अगर सांप दिखता है तो इन्हें आप कॉल करें। बोकारो के लिए संतोष जी, धनबाद के लिए बहुत से हैं, उनका नंबर दे चुका हूं मैं। दोस्तों मिलते हैं किसी एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।